अपने स्किन को, अपने चेहरा को सुंदर दिखाने के लिए सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 2 ग्लास पानी पीते हैं। चलो अगर आपको भी अच्छा बनना हो, वैसे आप अच्छे हो, आप सब सबका जो चेहरा है ना सुंदर ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, पहले 2 ग्लास पानी पीते हैं, फिर उसके बाद में वो उठते पराठे नहीं खाते, तेल में तला हुआ, घी में तला हुआ पराठे नहीं खाते, वो खाते हैं भीगा हुआ मूंग, उसमें थोड़ा सा सलाद मिलाते हैं, नींबू निचोड़ करके उसको नाश्ता के रूप में खाते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद जूस पीते हैं, फिर उसके बाद में भोजन का समय हुआ तो मुश्किल से 2 रोटी खाते हैं, दाल ज्यादा पीते हैं, फिर रात के समय थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिए, जूस पी लिए, सलाद वगैरह खा लिए और सो गए, हो गया खत्म। इतना आहार करने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और ज्यादा जो पानी पीता है उसका चेहरा में चमक होगा। जो बहुत ज्यादा पानी पीता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं दिखता, और जो केवल भात ही भात खाते पानी नहीं पीते उसका स्किन जल्दी खराब हो जाता है। चलिए ये तो बड़े लोगों की बात है, कुछ लोग तो ज्यादा यंग दिखने के लिए वो स्वर्ण भस्मी खाते हैं। एक टाइम का ही लाखों का खाते हैं अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन ये जितने भी साधन है, जितने भी चीजें हैं, ये सब नाशवान है, ये हमेशा चलने वाला नहीं। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी उपाय कर लीजिए, बड़े बड़े ब्रांड के क्रीम यूज कर लीजिए अपने चेहरा को चमकाने के लिए, लेकिन मरना तो सबको है, है ना? इससे अच्छा मैं तो आपको सलाह यही दूंगी, खूब भात खाओ, मरना है ही क्या करना है ना, प्यार से बोलो, पेट भर के खाइए, दाल भात खाइए और हरी का गुड़ गाइए, इसी में आपकी भलाई है। मस्ती में बोलो ना जी। तो संसार में आप चाहे कितना भी कर लीजिए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये पहनेंगे तो हम कैसा दिखेंगे, आप हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, दुनिया के हर चीज को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन मौत को हम अपने बस से, अपने मर्जी से नहीं ला सकते, उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। इसलिए मरने से पहले कुछ ऐसा करिए, अपने मन को भगवान के चरण में लगा करके धीरे 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 हम भगवान के चरण से जुड़ जाएं, और जब मौत आए तो उस समय चिंता ना हो कि अरे हमने भजन नहीं किया, हमने भगवान की कथा नहीं सुनी, अब जो मौत होगी उसके बाद में क्या होगा पता नहीं। इसलिए मरने से पहले भगवान के नाम का गुणगान करिए। जब हमको समय मिला, अभी जो समय आपको मिला है ये पावन अवसर है, आपके अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में भगवान की कथा हो रही है, आप सुनिए और धीरे धीरे अपने मन को भगवान से जोड़िएगा। और अभी से अगर भगवान का चर्चा सुनेंगे, भजन करेंगे, तो मौत भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा, तब हमको चिंता नहीं रहेगा कि अरे हमने कुछ नहीं किया। जब बैंक में बैलेंस होता है ना, तब हम टेंशन नहीं लेते, अरे बैंक में तो है क्या करना। इसी प्रकार अगर हमने समय रहते ही भजन कर लिया है तो आखिरी समय में चिंता नहीं होगा, क्योंकि हमारे बैंक में तो पहले से भगवान के नाम रूपी खजाना भरा हुआ है, इसलिए क्या चिंता। ये बात तो तय है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा।